क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है मस्टर्ड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सरसों फसल उन्नयन। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है तोरिया, या इसको सरसों बोलते हैं, या फिर इसको राई भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो इसको रेपसीड बोला जाता है, या मस्टर्ड भी कहते हैं इसको, या फिर राई के नाम से भी जानते हैं। बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम की बात करें तो ब्रिसिका जो है उसके अंदर कई सारी स्पीसीज जो हैं वो आती हैं, जिनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ब्रिसिका इसका वंश या जीनस है। कुल या फैमिली की बात करें तो इसको बोलते हैं क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, तो इस फैमिली का ये सदस्य है। उसके बाद गुणसूत्र संख्या व जातियां या क्रोमोसोम नंबर्स एंड स्पीसीज की अगर अपने बात करें तो कई तरह की स्पीसीज जो हैं वो मस्टर्ड के अंदर आती हैं, जिसमें से कुछ स्पीसीज डिप्लॉइड हैं और कुछ टेट्राप्लॉइड हैं। तो सबसे पहली है ब्रेसिका नाइग्रा, ये इसकी डिप्लॉइड स्पीसीज है जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 गुणसूत्र। इसको काली सरसों या बनारसी राई के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसकी खास बात है। इसके उपयोग या यूज़ की बात करें तो मुख्य रूप से मसाले के रूप में, या हम कह सकते हैं स्पाइसेस की फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको जब सब्जी बनाते हैं तो, और इसके अलावा अचार बनाने के लिए, ठीक है, पिकल जिसको बोल देते हो आप, तो उसके निर्माण में हम लोग इनका यूज़ करते हैं, इसके बीजों का। दूसरा है ब्रेसिका ओलेरेशिया, ये भी डिप्लॉइड स्पीसीज है, इसके अंदर 18 गुणसूत्र या 18 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको नॉर्मली गोभी कहा जाता है, जिसकी सब्जी जो है वो हम लोग खाते हैं। तीसरी स्पीसीज है ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज, तो ये भी डिप्लॉइड या द्विगुणित जाति है, जिसके अंदर 20 गुणसूत्र या 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको तोरिया या रेपसीड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग मेन कल्टीवेटेड क्रॉप है, या तेल देने वाली ये प्रमुख कृषि फसल है। इसको आगे तीन टाइप्स में या प्रकारों के अंदर विभाजित किया गया है, जैसे सबसे पहला है पीली सरसों या येलो मस्टर्ड भी बोलते हैं इसको, और दूसरी है भूरी सरसों या ब्राउन मस्टर्ड भी बोलते हैं। तो येलो मस्टर्ड एंड ब्राउन मस्टर्ड, इन दोनों को कंबाइंडली शलजम तोरिया या टर्निप रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरा है तोरिया या रेप, जिसको भारतीय तोरिया या इंडियन रेप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज इसकी आती है ब्रेसिका कैरिनेटा, ये इसकी टेट्राप्लॉइड या चतुष्गुणित स्पीसीज है, जिसके अंदर 34 गुणसूत्र होते हैं। हाल के वर्षों में, या हम कह सकते हैं कि करंट ईयर्स के अंदर इंडिया में या भारत में इसको किसी दूसरे देश से या दूसरी कंट्री से इसको पुरस्थापित या इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज है ब्रेसिका जुन्सिया, ये भी टेट्राप्लॉइड या चतुष्गुणित स्पीसीज है, और इसमें 36 गुणसूत्र या 36 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको राई या भारतीय सरसों, यानी राई या इंडियन मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेसिका नेपस, ये भी टेट्राप्लॉइड या तो चतुष्गुणित जाति है, और इसके अंदर 38 क्रोमोसोम्स यानी 38 क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। इसको भी करंट ईयर्स में या हाल के वर्षों में इंडिया या भारत में पुरस्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद ब्रेसिका ट्रायंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है अभी, तो इसमें जो ट्रायंगल के तीनों कोने हैं वो डिप्लॉइड स्पीसीज को या द्विगुणित जातियों को प्रदर्शित करते हैं, और इस ट्रायंगल के बिल्कुल जो इसकी जो भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं के बिल्कुल बीच में द्विगुणित सॉरी टेट्राप्लॉइड या चतुष्गुणित जातियों को रखा गया है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें ब्रेसिका ओलेरेशिया, जिसमें गुणसूत्र हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर कितना है 9 है, और इसके अंदर जीनोटाइप है कैपिटल सी कैपिटल सी। दूसरी तरफ ब्रेसिका नाइग्रा, जिसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 8 है, और जीनोम इसके अंदर है कैपिटल बी कैपिटल बी। तो ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस करवाया गया ब्रेसिका ओलेरेशिया के साथ, और क्या बनाया गया, ब्रेसिका कैरिनेटा बनाया गया, जिसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स कितने हो गए 8 + 9 = 17 हो गए, और कैपिटल बी यहाँ से आ जाएगा, और कैपिटल सी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरफ बात कर लेते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा का क्रॉस करवाया गया ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज के साथ। ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स कितने हैं 10 या 10 हैं, और इसका जीनोम है कैपिटल ए कैपिटल ई। तो इन दोनों के क्रॉस से ब्रेसिका जुन्सिया टेट्राप्लॉइड स्पीसीज जो थी वो डेवलप की गई। तो 8 + 10 = 18 हो गए हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स, और कैपिटल ए जो जीनोम है वो यहाँ से आया, और कैपिटल बी जीनोम यहाँ से आया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ब्रेसिका नेपस को डेवलप करने के लिए ब्रेसिका ओलेरेशिया का क्रॉस करवाया गया ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज के साथ। तो 9 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, 10 यहाँ पे हैं, तो 9 + 10 = 19 हो गए, 19 क्रोमोसोम्स हो गए हैप्लॉइड। अब कैपिटल ए यहाँ से आ गया, और कैपिटल सी यहाँ से आ गया।
तो इस तरह से इसको बोल देते हैं हम लोग ब्रेसिका ट्राइंगल, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो अलग अलग जातियों की के अलग अलग जो उत्पत्ति केंद्र हैं या सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो माने गए हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की बात करें तो इसका जो प्राइमरी सेंटर है या प्राथमिक केंद्र है वो है हिमालय क्षेत्र या हिमालयन रीजन जो है उसको माना जाता है। इसका सेकेंडरी सेंटर या द्वितीय केंद्र की बात करें तो यूरोपियन जो मेडिटेरेनियन एरिया है और इसके अलावा एशिया जो है उसको इसका सेकेंडरी सेंटर माना जाता है। ब्रेसिका जूनसिया की बात करें तो मिडल ईस्ट जो है इसको प्राइमरी सेंटर या प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र माना जाता है, जबकि सेकेंडरी सेंटर्स की बात करें तो ब्रेसिका जूनसिया के लिए सेकेंडरी सेंटर्स हैं चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कॉकेसस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें तो सरसों के अंदर जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको रेसीम कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ट्विग या एक टहनी को प्रदर्शित किया गया है सरसों या मस्टर्ड की, तो उसमें देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में आपको स्टेम या तना इसका दिख जाएगा, जिसके ऊपर बिल्कुल नीचे की तरफ आपको ये लीफ दिख जाएगी जो कि कटी फटी होती है। ठीक है, वेवी इसकी जो मार्जिन है वो वेवी होता है, तो ये लीफ या पर्ण हो जाएगी। अब इस स्टेम के ऊपर जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं वो लगे रहते हैं, और इसमें ऊपर की तरफ आपको यंग फ्लावर्स या तरुण पुष्प मिल जाएंगे और नीचे की तरफ मैच्योर पुष्प या मैच्योर फ्लावर्स या परिपक्व पुष्प जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन रहती है सरसों या मस्टर्ड के अंदर। उसके बाद जो प्रत्येक पुष्प या फ्लावर है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर यानी मेल एंड फीमेल पार्ट जो है ये दोनों के दोनों एक ही फ्लावर या पुष्प में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये व्रंतीय होता है यानी पेडिसिलेट होता है, एक व्रंत या स्टॉक की सहायता से ये जुड़ा हुआ रहता है मदर एक्सिस या मातृ अक्ष के साथ। इसके अलावा त्रिज्यात सममित यानी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है, इसका मतलब इसमें एक से अधिक ऐसे प्लेन्स या तल होते हैं जहां से अगर हम फ्लावर को काटते हैं तो उसके दो इक्वल पार्ट्स या बराबर भाग हो जाते हैं। इस तरह की सममिति क्या कहलाती है, त्रिज्यात सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स की बात करें तो प्रत्येक पुष्प या फ्लावर के अंदर चार हरे रंग के बायदल होते हैं, तो फोर ग्रीन सेपल्स होते हैं, और ये फ्यूज्ड नहीं होते यानी कि कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, या फ्री होते हैं, तो फ्री या स्वतंत्र सेपल्स ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलेंगे, चार इनकी संख्या है। उसके बाद अंदर की तरफ हम लोग चलें तो पेटल्स या दल उपस्थित होते हैं, और यहाँ पे दलों की संख्या कितनी है, अभी चार। रंग क्या होता है उनका, पीला, तो पीले रंग के चार दल या येलो कलर के फोर पेटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और चारों दलों की खास बात क्या है कि ये चारों के चारों दल एक क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, क्रूसी फॉर्म व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था को, तो अब इसीलिए इसकी जो फैमिली है या इसका जो कुल है उसका नाम क्या पड़ गया, क्रूसी फेरी। ठीक है, तो क्रूसी फॉर्म व्यवस्था की वजह से ही क्रूसी फेरी इसके कुल का नाम रखा गया था, हालांकि बाद में रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करके ब्रेसिकेसी कर दिया गया। चलिए, अब ये जो दल की बात कर लेते हैं, प्रत्येक जो दल या पेटल होता है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है लिंब और दूसरा होता है क्लॉ। क्लॉ को नखर भी कहा जाता है हिंदी के अंदर, तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं हम लोग। तो ये है अभी इसका एक पेटल या दल जो कि पीले रंग का या येलो कलर का होता है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको लिंब बोल देते हैं, और सबसे नीचे की तरफ ये पॉइंटेड पार्ट जो है इसको क्लॉ या नखर कहा जाता है, तो ये इसके पेटल की खास बात होती है। उसके बाद नर जनन भाग या पुंकेसरों की बात करें तो टोटल सिक्स पुंकेसर होते हैं या सिक्स स्टामेंस होते हैं जो चतुर्दीर्घी व्यवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि टेट्रा डायनमस जो अरेंजमेंट है उसमें देखने को मिलते हैं। अब चतुर्दीर्घी या टेट्रा डायनमस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जो पुंकेसर है वो दो चक्रों के अंदर होते हैं, जो सबसे अंदर की तरफ चक्र होता है उसमें टोटल चार और बड़े आकार के या लार्ज साइज के स्टामेंस पाए जाते हैं, और सबसे बाहर वाले चक्र में दो छोटे आकार के जो स्टामेंस हैं या पुंकेसर हैं वो उपस्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाती है, चतुर्दीर्घी या टेट्रा डायनमस। प्रत्येक जो फ्लावर या पुष्प है उसमें दो अंडप या कार्पल्स होते हैं, और कार्पल्स जो हैं उसमें दो कोष्टक बनते हैं या दो कोष्टक उपस्थित होते हैं। शुरू में क्या होता है, वास्तव में सिर्फ एक ही कोष्टक या एक ही लोक्यूल होता है, लेकिन बाद में एक स्यूडोसेप्टम या कूटपट बन जाता है जिसका नाम है रेप्लम। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है अभी, रेप्लम क्या होता है।
और इस रेप्लम नाम के कूटपट या स्यूडोसेप्टम के बन जाने के कारण बाद में दो कोष्ठक या लोक्यूल्स बन जाते हैं। तो शुरू में एक कोष्ठक होता है, बाद में रेप्लम बन जाने के कारण दो लोक्यूल्स या कोष्ठक बन जाते हैं। अंडपों के अंदर की बात करें तो बहुत सारे इसमें बीजांड्स, अनेक बीजांड या ओव्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे और ये वित्तीय बीजांड न्यास यानी कि पेराइटल प्लासेंटेशन में पाए जाते हैं, तो ये इसकी खास बात है। अभी उसके बाद फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र की हम लोग बात करें तो इसमें ये इसका फ्लोरल डायग्राम है या पुष्प चित्र है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ मदर एक्सिस या इसका मातृअक्ष होता है और फिर उसके बाद सबसे बाहर की तरफ आपको इसके फ्लोरल पार्ट्स दिख जाएंगे जिसमें सेपल्स या बाह्यदल हैं। टोटल चार सेपल्स या बाह्यदल होते हैं और इनके चक्र को बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहा जाता है। उसके बाद अंदर की तरफ पेटल्स या दल उपस्थित होते हैं। दल जो है वो क्रूसी फॉर्म व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं यानी क्रॉस का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हो जो पेटल्स, ये जो पेटल या दल है ये इसके बिल्कुल सामने है और ये वाला पेटल जो है इसके बिल्कुल सामने है, तो इसको क्रूसी फॉर्म अरेंजमेंट जो है वो बोल देते हैं। अब पेटल्स का जो वर्ल है या चक्र है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला या उसको बोल देते हैं दलपुंज। ठीक है, दलों के अंदर की तरफ क्या होता है, भी स्टामेंस या पुंकेसर होते हैं जो कि टेट्राडायनमस या चतुर्दीर्घी अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाले चक्र में आप देख सकते हो केवल दो ही स्टामेंस या पुंकेसर हैं जो कि बहुत छोटे आकार के हैं और अंदर वाला जो चक्र है उसमें टोटल चार पुंकेसर होते हैं जो कि लंबे होते हैं। ठीक है, यानी बड़े आकार के होते हैं, तो चार पुंकेसर हैं, टोटल कितने हो गए, सिक्स स्टामेंस हो गए। स्टामेंस या पुंकेसर का जो चक्र है उसको एंड्रोशियम या पुमंग कहा जाता है। बिल्कुल अंदर की तरफ हम लोग देखें तो कार्पेल्स या अंडप की बात करें तो दो अंडप होते हैं, एक तो ये वाला अंडप है और एक ये वाला अंडप है। जो बीजांड है या ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, भित्तियों पर लगे हुए हैं, इसलिए इसको भित्तीय बीजांड न्यास या पेराइटल प्लासेंटेशन बोल देते हैं। तो शुरू में तो क्या होता है, एक ही लोक्यूल या कोष्ठक होता है लेकिन बाद में ये वाला सेप्टम बन जाता है रेप्लम जो कि स्यूडोसेप्टम या कूटपट है। इसके बन जाने की वजह से दो आपको कोष्ठक या लोक्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है अभी फ्लोरल डायग्राम मस्टर्ड या सरसों का। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो सरसों में जो डिप्लॉइड स्पीसीज होती हैं या द्विगुणित जातियां होती हैं वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होती हैं यानी कि स्व अनिषेचय होती हैं। तो इसका मतलब इनमें क्या होगा, 100% परपरागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा और ये क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, हवा व कीटों के द्वारा यानी कि बाय एयर एंड बाय इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेशन करवाया जाता है। लेकिन सरसों या मस्टर्ड की जो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज होती हैं या चतुष्गुणित जातियां होती हैं उनमें 70% या 70% तो स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है और 30% तक इसमें पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो जो पर परागण है वो हवा व कीटों के द्वारा यानी बाय विंड एंड बाय इंसेक्ट्स जो है वो करवाया जाता है। फ्रूट या फल की बात करें तो इसके फ्रूट को बोलते हैं सिलिकुआ। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसमें कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले है उच्च उपज या हाई यील्ड, तो लगभग सभी क्रॉप्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है। तो सरसों में भी हायर यील्ड जो है वो चाहिए होती है और इसके लिए जो उपज है या यील्ड है वो कुछ फैक्टर्स या कारकों के ऊपर निर्भर करती है। सबसे पहला है प्रति पौधा प्राथमिक व द्वितीयक शाखाओं की संख्या, नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस पर प्लांट। तो जितनी ज़्यादा संख्या में प्राथमिक और द्वितीयक शाखाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा संख्या में जो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस हैं वो लगेंगे, उतनी ही ज़्यादा संख्या में पुष्प बनेंगे, फ्लावर बनेंगे, तो बीज उपज जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, प्रति पौधा फलियों की संख्या, नंबर ऑफ जो फ्रूट्स है पर प्लांट। जितनी ज़्यादा संख्या में फल लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, फलियाँ लगेंगी, उतनी ही ज़्यादा उपज होगी। तीसरा है प्रति फली बीजों की संख्या, नंबर ऑफ सीड्स पर फ्रूट। तो जितनी ज़्यादा संख्या में एक फ्रूट के अंदर बीज होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज प्रति हेक्टेयर आएगी। उसके बाद है 1000 बीजों का भार, वेट ऑफ 1000 सीड्स। तो 1000 बीजों का भार जितना अधिक होगा उतनी ही ज़्यादा उपज जो है वो प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होगी। उसके बाद आता है शीघ्र परिपक्वन या अर्ली मैचुरेशन। तो जो सरसों है उसमें शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। ठीक है, उसके बाद है उच्च तेल प्रतिशत या हायर ऑयल परसेंटेज। तो सरसों के बीजों से हमें तेल ही प्राप्त होता है, तो तेल की मात्रा को हम लोग जितना अधिक बढ़ा सकते हैं उतना ही हमारे लिए उस बेनिफिशियल होगा या लाभदायक होगा, तो इसलिए ये भी एक उद्देश्य हमारा रहता है। उसके बाद आता है निम्न इरुसिक अम्ल व निम्न ग्लूकोसिनोलेट अंश। तो इरुसिक अम्ल और जो ग्लूकोसिनोलेट अंश हैं
या कंटेंट है ऑयल के अंदर, ठीक है, ये ड्राइनेस या शुष्कता उत्पन्न करता है। तो ये जितनी कम मात्रा में होगा उतना ही तेल या ऑयल जो है वो हाई क्वालिटी का होगा, इसलिए इनको कम करने करना जो है वो हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि मस्टर्ड की क्रॉप में फैलते हैं सरसों की फसल में और उसको डैमेज करते हैं, उसके इससे जो क्वालिटी या गुणवत्ता है उत्पाद की या तेल की वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है वो कम हो जाती है। तो ये कौन कौन से रोग हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी, तो इनके नाम ध्यान में रखने हैं, डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, वाइट रस्ट। तो ये कुछ रोग हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप करना होगा। उसके बाद कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो जो सरसों है उसमें एफिड्स यानी तेला जो है उसकी समस्या जो है वो काफ़ी रहती है, तो इसमें लिपाफिस एरिसाइमी जो है ये एक एफिड है जो कि सरसों में एक प्रमुख नाशी कीट होता है, तो इसके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो है वो डेवलप करनी होती हैं। उसके बाद है विषरण रोधिता या शैटरिंग रेजिस्टेंस। तो फलियों में विषरण की समस्या बहुत अधिक रहती है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो अगर बहुत ही ड्राई कंडीशन के अंदर शुष्क अवस्था के अंदर फसल की कटाई करें तो जो फलियों से बीज हैं वो अपने आप ही फील्ड के अंदर गिरते रहते हैं, तो ये समस्या जो है विषरण कहलाती है और इससे हमें बचना होता है। तो इससे बचने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम लोग हरी अवस्था के अंदर ही जो फसल है उसको काट लें तो विषरण नहीं होगा, या फिर हमें ऐसी वैरायटीज डेवलप कर लें जिनमें विषरण की समस्या न आती हो, ठीक है। तो ऐसी लाइंस या वंशक्रम जो है वो हमें विकसित करने के प्रयास करने चाहिए, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद बात करेंगे प्रजनन विधियों की या ब्रीडिंग मैथड्स की। तो कई तरह की प्रजनन विधियाँ मस्टर्ड या सरसों के अंदर उपयोग की जाती हैं। सबसे पहले पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन की बात करें, तो सरसों के बहुत से ऐसे लाइंस या वंशक्रम हैं जिनका पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन किया गया है इंडिया के अंदर, और इन वंशक्रमों का जो उपयोग या यूज़ है वो किसमें किया जाता है, इवेल्युएशन या मूल्यांकन के लिए, और इसके अलावा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं या प्रजनन कार्यक्रम होते हैं मस्टर्ड या सरसों से संबंधित उसमें किया जाता है। दूसरा है समूह वर्ण या मास सेलेक्शन। तो इसमें अलग अलग वेराइटीज़ या किस्में जो हैं वो डेवलप की गई हैं, जैसे तोरिया की बात करें तो इसमें T9 और T36 नाम से दो वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। भूरी सरसों या ब्राउन मस्टर्ड की BS2 एंड BS70 नाम से दो किस्में जो हैं वो डेवलप की गई हैं मास सिलेक्शन के द्वारा। पीली सरसों या येलो मस्टर्ड की बात करें तो T42 एंड T151 नाम से दो वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं। राई की बात करें तो इसमें 5 वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें वरुणा है, कृष्णा है, शेखर, सीता और दुर्गामणि, ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें कुछ वैरायटीज डेवलप की गई हैं संकरण के द्वारा, जैसे राई के अंदर प्रकाश, वैभव और नरेंद्र राई, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके नाम ध्यान में रखने हैं। दूसरा तोरिया की बात करें तो उसमें PT303 नाम से एक वैरायटी जो है वो डेवलप की गई है। उसके बाद कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जीव द्रव्य संलयन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का उपयोग जो है वो किया गया है। तो किस प्रकार से हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाते हैं इसके अंदर वो देखते हैं डायग्राम के द्वारा। तो RLM198 ये एक किस्म है, वैरायटी है किसकी, ब्रेसिका जुन्सिया नाम की जाति की। इसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ, ट्रैकिस्टोमा बेलाई के साथ। तो ट्रैकिस्टोमा बेलाई एक प्लांट है और इसके साथ जब इसका क्रॉस करवाया गया तो एक नरबंध्य किस्म विकसित हुई जिसका नाम रखा गया TLM198। इस नरबंधे किस्म का क्रॉस करवाया गया आर लाइन के साथ, ठीक है, आर लाइन क्या करती है, रिस्टोर करती है फर्टिलिटी को। तो इसके साथ क्रॉस करवा के इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वैरायटीज या उन्नत जो संकर किस्में हैं उसको विकसित किया गया था, उनको डेवलप किया गया था। उसके बाद था संश्लिष्ट व सम्मिश्र किस्में, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज। तो इसमें कुछ सम्मिश्र किस्में हैं जिनको डेवलप किया गया है, कुछ संश्लिष्ट किस्में भी हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सम्मिश्र किस्में कौन सी हैं, लुधियाना संकुल 1 ये तोरिया की किस्म है। संश्लिष्ट किस्मों की बात करें तो संगम जो है ये तोरिया की संश्लिष्ट किस्म है। पूसा कल्याणी ये भूरी सरसों यानी ब्राउन मस्टर्ड की संश्लिष्ट या सिंथेटिक वैरायटी है। उसके बाद उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस विधि के उपयोग से ब्रेसिका जुन्सिया जो है इस जाति की किस्में जो है वो डेवलप की गई हैं। वरुणा किस्म में उत्परिवर्तन करवाया गया, वरुणा किसकी किस्म है, ब्रेसिका जुन्सिया की, इसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन करवाया गया और क्रांति नाम की एक किस्म को डेवलप किया गया था। उसी तरह से RL18 नाम की एक किस्म जो थी उसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन करवाया गया था और इससे 3 किस्में विकसित की गई थी इस म्यूटेशन के द्वारा, RLM198, RLM514 एंड RLM619।
तो इन तीनों के नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो एफिड रोधी किस्मों या हम कह सकते हैं एफिड रेजिस्टेंट वेराइटीज के डेवलपमेंट के लिए गेहूं या वीट से एक जीन को निकाला गया जिसका नाम है प्रोटीएज इनहिबिटर। तो प्रोटीएज इनहिबिटर जीन को निकालकर कहाँ पे कहाँ स्थानांतरित किया गया, सरसों के जीनोम में स्थानांतरित करने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एफिड रोधी किस्में जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो अनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग भी मस्टर्ड के अंदर आजकल किया जा रहा है। उसके बाद काइक क्लोनीय विविधता या सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो ब्रेसिका जुन्सिया की एक किस्म है वरुणा, ठीक है, उसका एक काइक क्लोन या सोमा क्लोन है पूसा जैकसान के नाम से, उसको डेवलप किया गया है। तो ये सोमा क्लोनल वेरिएशन से डेवलप की गई वैरायटी है, तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है पूसा जैकसान। किससे डेवलप किया गया है, वरुणा किस्म से। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है, प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।